न्यूट्रिशन और फिटनेस के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे और हम लोग इतना इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं तो हम सब लोगों को ऐसा लगता है कि हमें न्यूट्रिशन और फिटनेस के बारे में सारी चीज़ें पता है। बट मैं आप सब लोगों को 10 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आप लोगों को लगता है कि आपको पता है पर शायद नहीं पता है। मे बी वी आर अंडर अ डिल्यूजन। देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस इश्यू अप बिकॉज वी आर मोर लाइकली टू फॉलो समथिंग विथ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी अगर हमें उनका रीजन पता है कि हम ये क्यों फॉलो कर रहे हैं। सिंपल एंड सिली एग्जाम्पल देता हूँ। बारिश हो रही है बाहर और हमें पता है कि छाता खोलेंगे तो हम गीले नहीं हो जाएंगे बारिश में, या रेनकोट पहनेंगे तो हमारे कपड़े गीले नहीं होंगे, इसलिए हम रेनकोट का यूज करते हैं और वो कंसिस्टेंटली करते हैं जब भी बारिश हो रही है अगर हम इंपॉर्टेंट काम से बाहर जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लिस्टिकल। सबसे पहला, हम सब लोगों को नहीं पता है कि हम खाना क्यों खाते हैं। मैं जितने भी वर्कशॉप्स करता हूँ, व्हेन आई आस्क पीपल, मुझे ऐसे कुछ जवाब मिलते हैं, सर पेट भरने के लिए, भूख लगती है तो टेस्ट अच्छा होता है, दीज आर द रीजंस आई गेट। वी डोंट नो एग्जैक्ट जो भी हम खाना खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में जाके करता क्या है। टू, कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स क्या है, वी हैव नो आइडिया। हम सिर्फ ये टर्म्स थ्रो अराउंड करते हैं बिकॉज इंटरनेट पे चल रही है, कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोगों ने आपसे बात कर ली है, वी नेवर क्वेश्चन कि व्हाट एग्जैक्टली कार्बोहाइड्रेट इज, वो करता क्या है, प्रोटीन क्या है, फैट्स क्या है। बहुत सारे लोगों को अभी भी लगता है कि पोटेटो, समोसा, तली हुई चीजें, ये सारे फैट्स हैं, दे आर नॉट। थ्री, प्रोटीन तो हीरो बना के रखा है ना हमने प्रोटीन को, तो बट डू वी रियली नो वो अंदर जाके करता क्या है, लाइक वाई प्रोटीन इज गुड। छाते के एग्जाम्पल में वी नो छाता ऊपर ऐसे आ जाएगा और पानी नीचे नहीं आएगा हमारी बॉडी में, ऐसे दूर चला जाएगा, राइट? वी डोंट नो प्रोटीन हमारी बॉडी में जाके कर क्या रहा है। सेम, अगर हमें उसका रीजन पता होता ना तो वी आर मोर लाइकली टू ईट फूड्स विच आर रिच इन प्रोटीन टू मीट आर प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स। चौथा, वी डोंट नो कि फैट लॉस कैसे होता है। बाय दैट आई मीन हमें पता नहीं है फैट लॉस का मतलब क्या है। हमें पता है कि एक्सरसाइज करेंगे ना तो शायद फैट लॉस हो जाएगा, कोई रूटीन डाइट फॉलो करेंगे ना तो शायद फैट लॉस हो जाएगा, एप्पल साइडर विनेगर या ग्रीन टी या हनी या लेमन या गर्म पानी ये सब लेंगे ना तो शायद फैट लॉस हो जाएगा। पर फैट लॉस का मतलब क्या है, वो फैट जो तुम्हारी बॉडी में है उसका हो क्या रहा है, वो जादू से गायब हो रहा है, बॉडी में से बाहर निकल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, वी डोंट नो। हम सिर्फ मानते हैं कि हाँ फैट लॉस होता है। पांचवा, हमें नहीं पता है कि पानी क्यों जरूरी है हमारे लिए। वी ऑल नो पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर इज लाइफ, हाइड्रेशन जरूरी है, हमें पूरा दिन इतना पानी पीना चाहिए, बट वी हैव नो आइडिया कि पानी हमारी बॉडी में जाके करता गया। छठा, आधी से भी ज्यादा जनता है ना वो दूध और दूध की आइटम्स को पचा नहीं पाती है। दूध की आइटम्स पीने के बाद हमें गैस होता है, डकारें आती है, सेंटेड वो भी, उसके बाद भी हम उसको इग्नोर करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि दिस इज बाय डिफॉल्ट, इट्स ओके, ये तो होता ही रहेगा, देयर इज अ रीजन एंड वी डोंट नो। हम कभी कंसर्न ही नहीं हुए क्योंकि हमें बचपन में पढ़ाया गया कि दूध इज अ संपूर्ण आहार, विच इट इज, बट यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी एज वेल। सातवां, हमें हमारी बॉडी से कम्युनिकेट करना नहीं आता है। हमारी बॉडी हमें हमेशा कुछ ना कुछ बोलने की ट्राई करती है बट हम उसको सुनना ही नहीं चाहते। हमारी बॉडी बोल रही है कि बाबा प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन कर रहा है, लोअर बैक भी एक कर रही है, अभी तो 30 का भी नहीं हुआ है तो तुझे कुछ करना चाहिए, बट हम कबीरा बन के बैठते हैं, हम मानते ही नहीं। एट, विटामिन डी सनलाइट में से मिलता है, तो सनलाइट के अंदर विटामिन डी होता है, अगर होता तो इंडिया में तो सनलाइट की कमी है ही नहीं, फिर भी आधी से ज्यादा जनता को विटामिन डी की कमी क्यों है, वी डोंट नो। हमें सिर्फ बोला गया कि सनलाइट में बैठो विटामिन डी मिलेगा, जाके बैठ जाते हैं, हम ब्लड रिपोर्ट्स नहीं चेक करवाते, चेक करवाओ एंड पूछो जो भी आपको बोलता है सनलाइट से विटामिन डी मिलता है उनसे पूछो कि क्यों कम है। नाइन्थ, सप्लीमेंट्स और मेडिसिंस के बीच में फर्क क्या है, वी डोंट नो। हमें ऐसा लगता है कि दोनों गोली फॉर्म में आते हैं, दोनों पाउडर फॉर्म में आते हैं, तो दोनों मेडिसिन ही है और मेडिसिन एडिक्टिव होती है, मेडिसिन की हमें जरूरी नहीं है। सबके घर में कोई ना कोई पेशेंट है और रोज एक पिल पॉप करते हैं, उसको कभी कोई क्वेश्चन नहीं करता। वी डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन मेडिसिन एंड सप्लीमेंट्स। आखिरी 10, वी डोंट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड डाइट, तो हम डाइट और लाइफस्टाइल के बीच में फर्क ही नहीं जानते। हम इतनी सारी डाइट्स फॉलो करते हैं, इतने सारे डाइटिशियन को पैसा देते हैं, बट वी डोंट एग्जैक्टली नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइट। हमें ऐसा लगता है कि डाइट इज समथिंग प्रिस्क्रिप्ट, बट इट इज नॉट। तो द पॉइंट इज, अगर आपको इनमें से कोई भी सवालों के जवाब नहीं आते हैं या आप जानना चाहते हो, बिकॉज लेट मी टेल यू, इसमें कोई साइंटिफिक जाने की जरूरत नहीं, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। आई हैव डिजाइंड दिस रियली यूनिक प्रोग्राम, इट्स कॉल्ड बी योर होम न्यूट्रिशनिस्ट। 7 घंटे का प्रोग्राम है, डोंट वरी, 7 घंटे एक दिन में नहीं होंगे, 4 दिनों में हम डिवाइड करेंगे। इन 4 दिनों में यू विल लर्न हम खाना क्यों खाते हैं, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, पानी, उनका काम कब अच्छे हैं कब बुरे हैं, डाइट टाइप्स क्या होते हैं, डाइट का मतलब क्या होता है, डाइट और लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है, और अगर डाइट जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है ना तो वो आप आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कैसे बना सकते हो,
यू विल लर्न। जानना है और इसके बारे में तो डू व्हाट्सएप मी, माई नंबर इज +918 5901025। तो मिलते हैं मेरी वर्कशॉप्स में, अगले वीडियोस में, फन फैक्ट्स में, सब जगहों पे, सोशल मीडिया पे, कहीं ना कहीं। पर तब तक के लिए अच्छे से खाना खाओ, अच्छे से नींद लो, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करो, थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करो, यही चीज़ें अपनी फैमिली से भी करवाओ। इन शॉर्ट अपना ध्यान रखो।